वेल, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट। सो आज का होने वाला है रैंडम मीशो हॉल और ये हॉल थोड़ा सा बड़ा होगा। मैं सोच रही थी इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, बट आई थिंक मुझे एक में कवर कर देना चाहिए। एंड सो डोंट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टन टन। सो फर्स्ट बात कर लेते हैं जो मेरी आंखों के सामने है, क्लिप्स वगैरह की। तो आजकल ना वो क्लिप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। यहाँ मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी, आप देख लेना। एंड मैंने वो ऑर्डर किया था, मेरे पास 6 पेयर्स ऑफ आई थी, इसमें से एक वो ऑर्डर किया था क्योंकि वो बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। मैंने सूर्य नगर में भी देखी थी, बट वो बहुत कॉस्टली थी। लाइक दे चार्ज फॉर 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ फॉर वन पिन। उसमें की पिन ना बहुत छोटी छोटी थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। ये मेरे पास 3 बची है जो बिल्कुल अनयूज है, क्योंकि 2 मैं मेरी फ्रेंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ एंड मेरे पास बच गई थी ये 4। मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। बट सो ये कुछ इतनी क्यूट लगती है ना ये पिंस, और इनकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 2-3 बार, तो मैंने इसको यूज़ किया ही है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। और अगर उतर भी जाता है तो आप इसको यहाँ से ग्लू पे स्टिक कर सकते हो, क्योंकि तो बहुत क्यूट लगता है। लाइक आपके हेयर को बहुत एलिगेंट बना देता है। एंड मेरे पास इसमें कलर, सो इनका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मुझे 157 रुपीज़ का पड़ा था। इसका MRP है 176 एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 157। तो इसमें 6 पेयर्स थे, तो मुझे इसका एक पेयर लगभग 25-26 के अराउंड पड़ गया। अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे ये पड़ा, बट ये बहुत ही क्यूट है। लाइक प्रॉपर सेटिंग में आप बोल सकते हो, लुक एट दिस। इसका सेटिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ये शाइन करता है। तो ये ऐसा नहीं कि चीप सेटिंग होगा, सेटिंग भी इसका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सेकेंड थिंग आती है हेयर क्लचर्स। तो इसमें 4 पेयर आए थे, मैंने एक यूज़ कर लिया है। फिलहाल थोड़ा सा मैला हो गया, गंदा हो गया, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट डे से यूज़ कर रही हूँ। एंड ये पेस्टल पिंक कलर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, लाइक ऐसे फर वाले ना क्लचर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें मेरे को 3 शेड्स मिले, जिसमें से एक है मॉव कलर, एक है ये पीच कलर और एक है रस्टी ब्राउन कलर। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं इनका बाहर से दिखा देती हूँ, और काफ़ी सॉफ्ट है इनकी फर। और अगर मैं बोलूँ इनकी लेंथ की, तो क्वाइट लार्ज है, इतने भी बड़े नहीं है, मीडियम साइज भी नहीं है, मीडियम से थोड़ा सा एक साइज बड़ा है। लेकिन ये तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको ऑफलाइन भी ये 40-50 रुपीज़ का पड़ेगा, विच इज़ अ ग्रेट डील, क्योंकि मुझे मैंने अच्छा इसका बेनिफिट उठाया मीशो का। तो मुझे मीशो इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा, लाइक उनके पास हेयर एक्सेसरी काफ़ी अच्छी भी है, नो डाउट। सो मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा शौक हूँ, क्योंकि इसका MRP है 399 रुपीज़। एंड सीक्रेट के परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, नो डाउट। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इनकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी रिच काइंड ऑफ होती है। एंड ये उसकी कुछ बॉटल है, मैंने इसका Amazon पे प्राइस देखा था, आई थिंक 250 के अराउंड था, बट ये मुझे मीशो से जस्ट फॉर 172 रुपीज़ का पड़ा है। अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ, बहुत मस्की इसमें फ्रेगनेंस है, स्ट्रॉन्ग है बट माइल्ड है, और काफ़ी अच्छी है। लाइक समरी वाइब है इसमें से ओशन की, मुझे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है बीच वगैरह की। तो ये 172 रुपीज़ का इस ग्रेट डील, क्योंकि अमेजोन से भी आपको 250 से नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका MRP है 399। फिर सेट की रैंडम हॉल होने वाला है, तो जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी मैंने ऑर्डर कर ली थी। तो ये वो है, उसको हम ना एज अ क्या बोलते हैं, इसको कटर यूज़ करते हैं। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह, अनियन, टमाटर, सब कुछ कट हो जाता है। इसको मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ, बट ये मुझे आई थिंक 124 रुपीज़ का पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, एंड इसका MRP था 150 रुपीज़। सो कई बार याद नहीं रहता था कि पानी पीना है, तो प्रॉब्लम होती थी। एंड ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया है, कल इसका ढक्कन टूट गया। तो इसके ऊपर ना यहाँ पे मार्किंग हो रखी है, लाइक यहाँ पे ये 1000 ml की है, तो आपको कितने टाइम में कितनी कवर करनी है, एंड यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी हुई है। तो और ये बॉटल पर्पल और येलो कलर का जो ये ओरिएंट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, कल ये मेरी गलती की वजह से ये टूट गई, बट इट्स फाइन, मैं इसको घर पर यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, तो ये इसका MRP था 255 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 230 रुपीज़ का पड़ा है। एंड इट्स अ ग्रेट डील, क्योंकि एक लीटर की बॉटल है। सो
इसकी मैंने ये ट्राई किया है, इट्स फ्रॉम शो गर्ल एक्ने पिंपल पैच, इट्स अ हाइड्रोकोलॉइड पैचेस एंड मेरे को ना इतनी बढ़िया डील अमेजोन पे कभी मिली ही नहीं। 72 पैचेस मैं उनको 200 रुपीज के अराउंड मंगाती थी, 106 के अराउंड ये मुझे तीन पैचेस मिले हैं। 106 इज हाई क्वांटिटी, कभी मेरे को क्योंकि मैक्सिमम पैचेस मिलते हैं 72 डॉट्स मिलते हैं, 161 रुपीज में 106 पैचेस मिल रहे हैं, इट्स अ ग्रेट डील। मैं बहुत टाइम से डायरीज वगैरह लिखी तो मुझे पता भी नहीं होता था कि इसको जर्नल बोलते हैं, इवन इट्स लाइक मी डायरी होती थी मेरी, वो मेरी आई थिंक मैं 7th 6th क्लास से लिख रही थी, मेरे पास बहुत डायरीज पड़ी है 6th क्लास की भी इवन है मेरे पास आज भी, जो मैं पढ़ती हूँ कभी कभी और मेरे को बहुत हंसी आती है, लाइक आई वाज स्टूपिड दैट टाइम बट इट्स फाइन। मेरे को डायरीज वगैरह का बहुत शौक है लिखने का, मैं हर चीज अब लाइक अ जर्नल में हर चीज अब लिखती हूँ कि मुझे आज दिन में क्या करना है, मेरी टू डू लिस्ट क्या होगी, मेरे को वीक में क्या करना है, मंथली मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मेरी डायरी इज लाइक खत्म होने से पहले मैं स्टॉक कर लेती हूँ। तो मैंने इस बार ये दो डायरीज मंगाई है, पेयर ऑफ टू था ये डायरीज का, एक में मैंने कान्हा जी की मंगवाई है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी चूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक कान्हा जी की मोर पंख वाली मंगवाई थी एंड द सेकंड वन इज दिस जिसपे लिखा हुआ थ्रू कान पे लिखा हुआ 399 रुपीज। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, पहले तो आप उसको डायरी को देख लो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी स्प्रिंग काफी अच्छी है, पर्पल कलर में है एंड इसपे लिखा हुआ थ्रू गाइडलाइंस ऑफ, एंड द मेन थिंग इसमें लाइनिंग है, प्लेन पेज बिल्कुल भी नहीं है, सेम एज इट इज इसमें है, लाइनिंग है, प्लेन पेज नहीं है। एंड अगर मैं इनकी दोनों की प्राइस की बात करूँ तो यू विल शॉक दैट बहुत सही रेट पे मुझे ये मिली है। वेट, ओके, इन दोनों का प्राइस था 261 रुपीज बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 233 रुपीज की पड़ी है एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट डील। एक मुझे पड़ी गई लगभग 115 रुपए की और सही बताऊं यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ऑफलाइन लेने जाऊँ तो मुझे 150 रुपए से नीचे की डायरी नहीं मिलेगी क्योंकि ये थोड़ी सी फैंसी डायरी है, लाइक इस पर काम हो रखा है अच्छा और ये कान्हा जी की। नेक्स्ट क्लॉथिंग की बात कर लेते हैं, क्लॉथिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने लिए थे, एक मैंने इवन एक पेयर पूरा आप कह सकते हो मैंने लिया था जिसमें एक शर्ट थी और एक जीन्स थी। शर्ट जो है वो मैं रिटर्न करवा चुकी हूँ बिकॉज उसको इस शर्ट ने मेरे अरमान तोड़ दिए एंड ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, इवन दैट ये कैमरा में आपको अच्छी क्वालिटी की लगेगी, मेरे को भी पहले थोड़ा सा अच्छा लगा लेकिन जब मैंने स्टफ को हाथ लगाया तो मेरे को हाथ लगाते ही इतना गर्मी सा फील होने लगा कि भाई ये तो चुभेगी और ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, कोई पहनेगा तो क्लियर पता चलेगा कि हाँ भाई ये सस्ती क्वालिटी है सेटिंग की, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। एंड अच्छा किया मैंने इसको रिटर्न कर दिया क्योंकि इसका प्राइस था 400 रुपीज एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 383 रुपीज की पड़ी है, लाइक 400 रुपए लगा लो आप फिर भी 400 रुपए ब्रो बहुत ज्यादा है उस शर्ट के लिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। मैंने नेक्स्ट जीन्स मंगवाई थी उसके साथ में, तो मैं जीन्स आपको दिखा देती हूँ, यहाँ भी आपको मैं एक दिखा दूंगी कि एक्चुअल में ये कैसी लगती है। सो इट्स अ स्ट्रेट जीन्स बट ये स्ट्रेट पता नहीं क्यों मीशो के साथ मेरे को हमेशा ये इशू रहा है, एक्चुअली मेरे को हर कहीं इशू रहा है, ऑफलाइन में मुझे इशू नहीं आता बट ऑनलाइन में मुझे इशू आता है। मेरा बेसिकली साइज है 32 मुझे बिल्कुल फिट आता है, टाइट आता है, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, 34 मुझे लूज आता है तो 33 मुझे मिलता नहीं है, मैं इसलिए हमेशा 34। मैंने ये स्ट्रेट जीन्स ऑर्डर की थी, ठीक है, काफी अच्छा कलर है, आइस ब्लू कलर है बट ऊपर से वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इवन टाइट करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन नीचे से मेरे को यहाँ से इसको टाइट कराना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी आपको क्लियरली शो हो जाएगा। ये है सीक्रेट कीपर डेनिम को, काफी अच्छी क्वालिटी है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी है। इसका प्राइस था 670 रुपीज बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 642 रुपीज की पड़ी है। आइस ब्लू कलर है, कलर मुझे बहुत पसंद आया, क्वालिटी भी बन अच्छी है, बस नीचे से थोड़ी सी मुझे टाइट करानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ना ही ये बूट कट है ना ही ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा ऐसे फैल रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक चीज की मैं बात कर रही थी, ये मेरी एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब इतनी भी ग्रेट नहीं है, आई थिंक मुझे मैंने उसको ट्राई किया लेकिन वो यूज जैसे उसमें दिखाया हुआ है वैसा मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस बॉक्स में व्हाइट कलर के बॉक्स में आया था और ये है माइक, इट्स अ वायरलेस माइक, आप इसको एंड्रॉयड में भी यूज कर सकते हो और एप्पल में भी यूज कर सकते हो, तो
मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड इसका प्राइस है 495 रुपीज। इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं पड़ा, लाइक आप कह सकते हो कि ये 500 रुपये ही हो गया। सो इसमें एक आता है माइक और सेकेंड थिंग है ये पॉट जिससे आप अपने मोबाइल को लाइक कनेक्ट कर सकते हो। इसमें ये 3D है, Type 2C है एंड्रॉयड के लिए और ये एप्पल के लिए अलग से आती है। लेकिन अब मैंने इसको 20 मिनट पहले भी यूज़ किया था, लाइक जब ये आया मैंने इसको तब भी ट्राई किया बट मेरे को लगा कि मुझे शायद समझ नहीं आया, मैं दोबारा ट्राई करूँगी, फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैं भूल गई। एंड मैंने ये यूज़ करके देखा था कि ये तो भाई चार्ज किया तो ये चल गया था, इट्स मीन्स इट्स ओके। लेकिन अब बात आती है कनेक्शन की, पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा तभी तो लाइक मेरी वॉइस इसमें जा पाएगी क्योंकि ये रिसीवर है, बट मेन पोर्ट तो यही है। अब मैंने इसको लगाया, कोई भी नहीं हुआ। आई थॉट कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट भी नहीं हुआ। तो उसमें लिखा हुआ, मैंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ी सारी, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि इसमें रेड लाइट जलेगी बट इसमें कहीं कुछ बटन नहीं है कि ये कैसे ऑन होगा। उसमें बटन वगैरह भी शो कर रहा है कि इसमें होगा बट इसमें कोई भी बटन नहीं है। लाइक वेट, इसमें कोई भी बटन वगैरह नहीं है तो इसको मैं कैसे ऑन करूं? मैंने कनेक्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी 500 रुपये यहाँ डूब गए, बट मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगी। ये काफ़ी अच्छा है, लाइक इसमें मेरे को लाइट भी जल रही है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी, लाइट बंद होगी तो ये। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी आप चार्ज कर सकते हो, इसकी चार्जिंग केबल भी आई थी। दिस इज मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी। ये सेकेंड मेरी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो मैंने मंगाई थी, इट्स अ कैमरा लेंस, आप बोल सकते हो नोट अ कैमरा लेंस, इट्स अ कैमरा गार्ड लेंस। सो ये अच्छा प्रोटेक्टिव करता है आपके लेंसेज को, मैंने इतने टाइम से यूज नहीं किया और मेरा लेंस टूट भी चुका है, सो आई थॉट क्यों ना ऑर्डर करके देख लेते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी अपने फोन में लगा रखा है एंड आई लव्ड इट। इवन दैट मुझे वहां भी कवर्स भी काफी अच्छे लगे। मैं नेक्स्ट टाइम, आप मुझे बताना कि क्या मैं नेक्स्ट टाइम मीशो के कवर्स भी ट्राई करूं। दे आर लाइक वेरी चीप इन क्वालिटी और मुझे लग रहा था बट काफी अफोर्डेबल थे। 120 रुपीज से स्टार्ट थे, 100 रुपीज से स्टार्ट थे, वन आई थिंक उसका मैक्सिमम प्राइस था 500 रुपीज। बट आप मेरे को बताना कि क्या मुझे मीशो के कवर्स ट्राई करने चाहिए, आप देखना चाहते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सब में आपको क्या पसंद आया एंड आप क्या मीशो से ऑर्डर करोगे। एंड यस, मुझे ये भी बताना कि क्या आप मीशो को पे ट्रस्ट करते हो या नहीं। दिस इज ऑल ओवर माय रिस्पांस। सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगी, एक्चुअली दो चीज थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई जो मैंने रिटर्न कर दी, एक रह गई, इट्स माय मिस्टेक। बट यह आई होप इट दिस विल वर्क फॉर यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।